मुझे स्ट्रेस ही नहीं है, मतलब मैं ये हमारे कंट्री में ना कल्चर है 12 weeks out प्रेप चालू करो, एक और टाइटल मिल जाएगा। सीरियस नहीं हो, मत आओ। एनीथिंग यू कैन फिनिश इन 50 मिनट्स दैट्स इनफ। नवंबर 5th बेसिकली आज हम लोग कुछ और कंटेंट शूट करने वाले थे और इसी के लिए मैं ये जिम में आया था। ये जिम मेरे बहुत ही जूने जानने वाले का है, उनका नाम है राजेंद्र ढोले, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जिम का नाम है आरडी फिटनेस। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मैं आने वाला था सोना और स्टीम बाथ के सोना और आइस बाथ के लिए, लेकिन ये उनकी जो नई ब्रांच है उसमें, ये ब्रांच में सोना है लकीली, तो मुझे लगा कि वो ये है, तो बाय मिस्टेक ले। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से वापस वो ब्रांच में जाऊँ, तो वो ब्रांच में किसी और दिन चले आऊँगा। लेकिन प्लान ये था कि वर्कआउट तो करेंगे लेकिन रिकवरी का वीडियो बनाएंगे, बट सिंस मैं गलत ब्रांच में आ गया तो ये ब्रांच में हम वर्कआउट शूट करते, अदरवाइज हम लोग वीकली वर्कआउट कर रहे। तो आज है 5 नवंबर, लास्ट वीडियो हमने जो शूट किया था 2 नवंबर का था, तो मतलब 3 दिन में खाली बाल निकले बस उतना डिफरेंस लगेगा बॉडी में, और थोड़ा बहुत बॉडी में चेंज आया होगा वो दिखेगा। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू अनदर वर्कआउट सेशन, और वर्कआउट के बाद में हम सोना लेंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में, एंड जब वो वाले ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, यू शॉट आउट टू राजेंद्र ढोले आरडी फिटनेस टीम फॉर अलाउविंग अस टू शूट एंड यूज़ द फैसिलिटी एंड चार्जिंग अस एब्सोल्युटली नथिंग, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु इज़ गोना सपोर्ट मी। Okay, so let's do chest and bicep today. आई रियली फील हैप्पी। बाय द वे ये हितेन है, हितेन मुझे मिला था, मुझे याद है 2019 में जब मैं एक वर्कशॉप कर रहा था राइनोस जिम के अंदर में। व्हाट अ जर्नी फ्रॉम 90 to 2024। वाह, क्या मेरे पास तस्वीर भी होगी 19 की। हाँ, बोलो इतना सा लड़का था, बहुत डेडिकेटेड लड़का है, ही लिव्स वेरी फार फ्रॉम हियर और बहुत मेहनत करता है। अभी देखो अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, पैसे कमा रहा है, घर वालों को खुश रख रहा है। इट्स बीन फैंटास्टिक। ही इज अ बीस्ट। क्या खाते हो भाई, बता दो हमें भी, इतना वजन मार रहे हो आप। चिकन राइस मेरा बेसिक याद है। नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब वर्कशॉप सेमिनार करना, ना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन जब वो करने के बाद में सालों बाद जब देखते ना कि वो वर्कशॉप में सेमिनार में कोई इंसान अटेंड किया था, मतलब यूजुअली ये सारे वर्कशॉप्स फ्री रहते हैं, वो भी फ्री था आई थिंक सो, तो फ्री वाले वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में जब कुछ 2-4 साल बाद किसको देखते कि यार कोई कुछ अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, तो ऐसा लगता है कि वो रखना वर्थ था, वरना फ्री में तो लोग आ जाते, क्या है पैसे थोड़ी ना देने। बट कुछ लोग ही होते, 2-4 ही लोग होते वो उसमें से निकल के सीख के, क्योंकि वो एक्चुअल में करना चाहते हैं, और वो कितना करना चाहते हैं बोलने से ज़्यादा उनका काम करता है। तो यू नो, जब ऐसा कोई मिलता है, जैसे आई फेल वेरी गुड सीइंग यू। मतलब मैं हितेन को काफ़ी टाइम तक मैंने कोच भी किया है, आई थिंक ही कम्पीटेड ट्वाइस थ्राइस, बट लास्ट 1.5 ईयर ही इज़ डूइंग ग्रेट। आई एम हैप्पी फॉर यू ब्रो, कीप इट अप।
थोड़ा बड़ा गिर गया तो खत्म हो जाएगी कहानी, लॉक लगा लेना चाहिए। अभी भी उधर ही रहने का विरार, विरार ना? हाँ, विरार वीकेंड में जाता हूँ। अभी इधर शिफ्ट हो गया, शादी हो गई? नहीं, तो इधर ही रहता हूँ। हाँ, मैं चलूँगा। अच्छा, अभी वहाँ पे से यहाँ शिफ्ट हो गए। वेरी गुड। रात को जाना हेक्टिक भी होता है, बहुत दूर है। सबको करना पड़ता है, हमने भी किया है। आपका तो जर्नी सर, हमने भी किया है। साउथ बॉम्बे से जोगेश्वरी, साउथ बॉम्बे से जुहू, फिर साउथ बॉम्बे से, पहले सुबह साउथ बॉम्बे से जोगेश्वरी आते थे, फिर क्लाइंट है तो जुहू आते थे, नहीं है तो डायरेक्ट वापस जाते थे, क्लाइंट है तो जुहू करके फिर जाते थे, फिर वापस शाम में साउथ बॉम्बे में क्लाइंट, मतलब जो इवनिंग के क्लाइंट पटा के फिर रात के क्लाइंट लेने के अंदर ही आते थे। रमज़ान के टाइम पर सुबह पूरी रात जागते थे कि डाइट करने की है, फिर सहरी करते थे, नमाज पढ़ते थे, क्लाइंट को ट्रेन करते थे, सुबह 10 बजे जाके सोते थे। सबको करना पड़ता है, इतना आसानी से कोई बनता नहीं है। और जब तक वो करोगे नहीं तो बनने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि वो फील क्या है। इजीली कोई चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं होती ना। स्क्वाट पूरा बाहर करो, लेग स्क्वाट बाहर मारो, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, सब कुछ लेग में बाहर करो, स्टीम लेते लेते वर्कआउट करो। नहीं, एक्चुअल मज़ा ये आता ही है, कम एसी हो या ना एसी हो तो ठीक है, वक्त के साथ में चलना पड़ता है, लेकिन मुझे आज भी मज़ा वहीं आता है जहाँ पे कम एसी हो या एसी ना हो। बहुत ज़्यादा एसी ना, जब तक कि बॉडी को अंदर से गर्म नहीं करती ना, तब तक कि वो फील नहीं आता है, वो पंप आता है, सारे वेन्स आती है ना, वो तभी आएगा जब आप एक कंट्रोल क्लाइमेट में हो। इतना एसी हो जाता है बॉडी, आधा उसमें थूक जाता है, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना। और वो जब स्वेट निकलते रहता है ना, कम एसी में या फिर बिना एसी में जब स्वेट निकलता है तो फील अच्छा होता है, मतलब ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है और पुश करो। सही है ना सर? है और 10 स्टे अलर्ट, 1 2 लिफ्ट, स्टे अलर्ट, ओके। हाँ, आपने वाओ, राजेंद्र के साथ में रहोगे तो ये जरूर सीखोगे आप, 1 rep 2 rep, ही इज अ हार्ड कोर लिफ्टर। He's a hardcore lifter. I know him since 2011, जब वो ट्रू फिटनेस में, हाँ में he used to come train Tiger Shroff, तब से मैं जानता हूँ, है hardcore lifter. को देख के मेरे में पावर आ गया, इतना लाइट नहीं मारना है मुझे। Oof.
ऐसे एक बात बताऊं, अगले वीडियो में ना आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। एनर्जी लेवल एकदम इधर रहता है, जैसे टी शर्ट उतारते हैं अपने आप को देखता हूँ एनर्जी लेवल। देख रहे हो वैसे लुक कैसे लग रहा है? मैंने सोचा अभी फेस एकदम छोटा हो गया तो बहुत, मेरा तो दिल कर रहा था क्लीन शेव करवाने का, लेकिन मेरे को जो हमारे बियर्ड स्टाइलिश है उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ज़ीरो नंबर कर दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? एकदम बच्चा लग रहा है, मैं 10 साल कम हो गई मेरी उम्र। चिकन इतना इतना पूरा दिन चिकन राइस चिकन 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 दांतों में अटक जाता है। पहले मील का निकालो नहीं तो दूसरे मील का टाइम हो जाता है। थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ नहीं नहीं मैं तो दुआ करता हूँ कि थाईलैंड प्रो अनाउंस हो जाए। 30 तारीख को है ना नवंबर, है नहीं ना प्रो शो, प्रो क्वालिफायर है। मैं तो दुआ करता हूँ, एक हफ्ते पहले भी मालूम पड़ा ना, मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे स्ट्रेस ही नहीं है, मतलब मैं इतना रेडी हूँ कि मैं एक पीक वीक करके शो कर सकता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो नहीं बिकॉज क्या है ना, मैं ये मतलब शो खेल खेल के आदमी सीखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना वो लास्ट मिनट, अरे वो लास्ट वाली लेयर नहीं जा रही है, वो नीचे नहीं कप, बिकॉज ये हमारे कंट्री में ना कल्चर है 12 वीक्स आउट प्रेप चालू करो, 14 वीक्स आउट मतलब। बट एक्चुअली प्रेप तो पहली बात तो ये है कि इफ़ यू आर प्रोफेशनली डूइंग अ बॉडी बिल्डिंग यू आर नेवर ऑन आउट ऑफ प्रेप। Either you are prep while off season or gain season, but you are on prep 365 days. But if you are getting ready for the show, minimum, matlab yani ki if you are continuously doing 365 days also, at least 16 hafte pehle tumhara show ki prep chalu honi chahiye. Aur agar aap out of shape ho, matlab wo to kam se kam 20 hafte, kam se kam. Ab hamare idhar pe kya culture hone, 12 weeks transfer, 3 mahine ka fat loss package bhi kara, sab khareed rahe 12. लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए अच्छा है कि वो चलो 3 महीना करेगा, 3 महीने के अंदर उसको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। बट व्हेन वी आर कम्पीटिंग एट द प्रो लेवल तो फिर वो लास्ट में क्या हो जाता है ना, बहुत सारे एथलीट दिखते होंगे आप कार्डियो कर रहे, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा, सुबह शाम। यू नो मैं कितना कार्डियो कर रहा हूँ? 35 मिनट्स, सिर्फ 35 मिनट्स फास्टेड, और ट्रेनिंग 3 डेज ऑन 1 डे ऑफ, 3 डेज ऑन 1 डे, कोई प्रेशर नहीं, कितना रिलैक्स होकर कर रहा। तो इफ़ यू आर रेडी few weeks before the show you don't have to worry. अभी जैसे भी मेरा कट ऑफ है 88, मेरा हाइट के हिसाब से कट ऑफ है 88, मैं 90 पे कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे जब लास्ट शो के एक हफ्ते पहले अगर मैं 86 पे भी आ गया तो मुझे वेट नहीं करना है कि पहले चेक इन दूंगा फिर लोडिंग करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी बॉडी को लोडिंग के लिए, ये मैंने शो खेल खेल के ऑब्जर्व किया। तो मैं अगर ट्यूसडे से भी लोडिंग चालू कर देता हूँ स्लो 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 तो मुझे स्ट्रेस नहीं। वो तो क्या है फ्राइडे के दिन चेक इन थे ना, 88 नहीं आया, फिर जाके और कर रहे, फिर कर रहे, फिर कर, एंड मोमेंट वाला गेम ही नहीं करना। तो यू शुड बी रेडी बिफोर द शो, 4 वीक्स आउट
100% रेडी. मतलब आई एम टेलिंग यू, अभी 6.5 weeks है, 4 weeks आउट यू विल सी मी 100% रेडी. खाली पीक वीक की भी ज़रूरत नहीं, वाटर कट एंड गो. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि November 30 को थाईलैंड प्रो अनाउंस हो जाए, तो मुझे अच्छा है ना, मैं जाके एक एक्सपीरियंस ले लूँगा, एक और टाइटल मिल जाएगा. तुम्हारे शो की बात कर रहे हो जब 20 हाँ तभी आपने 20-25 minutes कार्डियो दिया था. मतलब ट्रस्ट मी, मेरे कोई भी क्लाइंट को मैं प्रेप पे, जितने भी मेरे कॉन्टेस्ट प्रेप क्लाइंट है ना जो प्रेप करते हैं, मेरे को याद नहीं है मैंने किसी को भी मैक्सिमम 60 मिनट से ज़्यादा कार्डियो कभी दिए. वो दो दो घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा, क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ, यू हैव ट्रेंड विथ मी, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि देखो भाई सीरियस हो ना तो पैसे दो. मेरे को लेने से तुम जीतोगे नहीं, मेहनत करने से तुम जीतोगे. तो पैसे नहीं देते, पैसे दोगे फिर लोग अरे भाई मेरा बॉडी नहीं. पहले टाइम, इफ़ यू हैव इनफ टाइम, यू हैव मनी, देन कम टू मी. वरना फिर वो सर मेरा भी, और लोगों को अभी भी वो मिथ है, साइकिल लेगा बॉडी बन जाएगा. ऐसा होता तो फिर सभी बना लेते ना. सबसे ज़्यादा शेप में तो अंबानी का बेटा होता. मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग इतना रेयर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोग जो सीरियस रहते हो मुझे ढूंढ के आ जाते हैं. मेरा मैक्सिमम टाइम, मेरा लिमिट है कि इतने स्लॉट कॉन्टेस्ट प्रेप के, इतने स्लॉट जनरल फिटनेस के, वो फुल ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं, जिसको मालूम है वो आता है लेता है. अरे मज़ा भी आता है ना ट्रेन करने में, कोई आ रहा है उसको प्लान भेज रहे हो, फिर वो बोल रहा है, फिर वो जाके बोलेगा मैंने जुनैद कले वालों से कोचिंग ली थी, मेरे को रिजल्ट नहीं. वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने फॉलो नहीं किया. तो सीरियस नहीं हो मत आओ. वर्कआउट भी एकदम मॉडरेट वेट पे, ज़रूरत ही नहीं है. वो तभी होता जब तुम रिलैक्स हो, अच्छे से कर रहे हो. बिकॉज अभी सी, इट्स नॉट अ गेम ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ गेम ऑफ फिजिक. तो तुम फिजिक बिल्ड कर लो, और अभी हैवी मार के मिलेगा क्या? या ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट पे है, गलती से झटके से छूट गया सब. बट ईगो है ना, वो करने नहीं देता है. बहुत सारे लोग उसमें, मैक्सिमम पीपल इंजर्ड हो जाते हैं. और मारना है और मारना, लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा वेट मारूंगा ज़्यादा बॉडी बनेगा, ऐसा नहीं होता है. तुम वेट कम मारो, सही मारो, फ्लैट, इनक्लाइन, क्लोज ग्रिप, दैट्स इट. 4-4-3-3 डन. 4-4-8-3-3-6 14 सेट्स डन. ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एट दिस स्टेज ज़रूरत ही नहीं है. ऑफ सीजन में 20 सेट मारता हूँ मैं, 20 सेट बस. मतलब 5 एक्सरसाइज 4-4 ऑफ सीजन में, जब दबा के कैलोरी चल रहा होता है तब 20 मारता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है. एनीथिंग यू कैन फिनिश इन 50 मिनट्स, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ. ग्रेट चेस्ट वर्कआउट. दिल तो हो रहा था बाइसेप भी करने का, और एक्चुअली रूटीन में मेरे बाइसेप भी था. बट मैं आप लोगों को बताऊं कि बॉडी की सुनो, अभी मेरे को मालूम है मुझे सोना लेना है, तो सोना में और
बॉडी मतलब पानी निकलेगा तो फेंट नहीं होना, चक्कर खा के गिरना नहीं, नाम नहीं ख़राब करना बॉडी बिल्डिंग का। चेस्ट मारा, अभी लेते हैं सोना जी। मेल चेंजिंग रूम, ओके ओके। दो मिनट से चार मिनट आइस बाथ, फिर 10 से 15 मिनट सोना, फिर 2 से 4 मिनट आइस बाथ। अब सोना में और आइस बाथ में दोनों में फ़र्क क्या रहता है? जो आइस बाथ से अगर तुम एंड करोगे ना, तो इफ़ यू आर डूइंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मतलब इसके बाद में तुमको एनर्जेटिक रहना है, तो यू फिनिश विद आइस बाथ। एंड इफ़ यू वांट टू गो एंड स्लीप, मतलब यू फिनिश विद सोना, बिकॉज सोना मेक्स यू काम, आइस बाथ मेक्स यू चार्ज। तो 2 to 4 minutes आइस बाथ, 10 to 15 minutes सोना, 2 to 4 minutes आइस बाथ, 2 to 4 minutes मतलब अगर तुमको चार्ज रहना है ना, तो आइस बाथ से ख़त्म करो। और तुमको एकदम जाके देखो, अभी मेरा क्या फर्क चल रहा है, मुझे पता है कुछ नहीं है, जाके आराम कर, एक घंटा सो भी गया तो चलेगा, तो सोना से ख़त्म करो। सोना लो, खाना ना खाओ, सो जाओ। कितने मिनट हुए? 12 मिनट। देखो ये 25% या 40% भी ऐसा लगेगा पानी नहीं देगा। इधर से, इधर से देख रहे हैं, लाइट इतनी अच्छी है, क्या है इधर से देख रहेगा। लेग्स एक देख रहे हो बंदे के, क्लासिक ही खेलता हूँ मैं, सी उन तो चला गया। दिख रही है नहीं वेन सेंस, नहीं दिख रही, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हितिन, वेन सेंस दिख रही है कि नहीं? लाइट्स पे की और मेहनत करनी है, थोड़ा और मेहनत, और थोड़ा ना है अपने पास, बहुत टाइम है। ट्राइसेप तक तो आ गई है, इधर से इधर जाने में डर, ट्राइसेप लेग्स, लेग्स वो इसकी तो फट रहे, आगे वाला थोड़ा पीछे डाल दो सर। नहीं वो मेरा बैक वाटर ज्यादा होल्ड करता है एंड मोमेंट तक। ये तो भी मतलब 10 मिनट में कितना पानी निकलेगा, लेकिन हां इतना ही कि एक आईडिया मिल जाता है कि हां भाई अंदर सिस्टम बढ़िया चल रहा है। देखो ओहो मतलब झाड़ में, ठीक है भाई साहब, आज के समाचार यहीं पे खत्म करते हैं और हम रेडी रेडी हो जाते हैं नहाते हुए वीडियो दिखाओ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।